कंडीशन हो गया ना कि मैं सुसाइड करने का सोच रही हूँ। नहीं नहीं इतना टेंशन मत लो, प्लीज प्लीज डोंट टेक, इतना आप टेंशन मत लीजिए. वी विल हेल्प यू आउट, समथिंग वी विल डू. इसलिए क्या था ताकि मैं पापा की हेल्प कर सकूं। मैं घर की पहली बेटी हूँ, मेरे पापा बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं। मेरे पापा की कोई वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं, मेरे पापा की खुद की बिजनेस है। अगर कस्टमर आते हैं तो होती है इनकम। और लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी जिनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरे पापा बहुत सिंपल काम करते हैं, ट्रेजरी के जो वो होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, उनकी जो पेंशन वगैरह बनती है, मेरे पापा वो काम करते हैं। मेरे बाद मेरे दो भाई बहन भी है, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा होता तो मेरी हेल्प हो जाती। तो मैंने सोचा मैं माँ बाप का बेटा बन जाती हूँ, कम से कम मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, एक को संभाल लूंगी, ये सोच के मैंने बैंक की जॉब भरी थी। और यहाँ पे मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं डिप्रेस हो गई, मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ, अगर मैंने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मेरे माँ बाप को कौन देखेगा मेरे बाद? इसके लिए अगर पहली बात तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप इतना ज्यादा टेंशन ना लें, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस ना हो. अगर अब कुछ भी मुझे होता सोना है, पड़ा है कुछ भी कि होता है, तो एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम, जो कि अमिट यूनिवर्सिटी और मैंने मणिपाल अगर यूनिवर्सिटी कुछ कंडक्ट किया कराती है. ना, मैंने ये चीज सोची, अगर मैंने कुछ किया इस प्रेशर में आके, मेंटली अगर मैं थोड़ी भी हिली, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं एक्सिस बैंक के गेम्स में लेटर लिख के कुछ ना कुछ करूंगी। मैं क्या करूं, मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूं? मैंने आज बहुत हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को बताया। वो वहां पे अकेले रहते हैं, हम तीनों भाई बहन बाहर है, अकेले रहते हैं वो। मेरे पापा बीपी के पेशेंट है, वो वहां पे इतने टेंशन में, सुबह से कितनी बारी कॉल कर चुके हैं कि बेटा ठीक है ना, बेटा ठीक है ना। मैं क्या बोलूं उन्हें? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं रवि प्रकाश, आप लोगों का अनरियल बैंकर में फिर से स्वागत करता हूँ. मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा. जैसा कि आपने सुना अभी, मीन्स इस तरह का ह्यूमिलिएशन अब ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, मुझे अब बिलीव नहीं हो रहा है. गाइज, आप प्लीज पहले एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपके मन में इस तरह के थाउट आ रहे हैं तो प्लीज उस थाउट को आप मार दीजिए, किल दैट थाउट. और कुछ भी अगर आपको लग रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से बात कीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे. आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताइए. और अगर आपके साथ लग रहा है कि ये मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, या कुछ ह्यूमिलिएट कर रहा है, या फिर कुछ आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो आप द सेम टाइम आप एक्शन लीजिए. आप जस्ट उन्हें रिप्लाई कीजिए और जितना हो सके उतने ऊपर ये बात आप पहुंचाइए. आप ही रिस्पॉन्सिबल बनोगे अपने स्टेप के लिए, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा. और जो लोग इस तरह का आपके साथ कर रहे हैं, आप ऐसे ही होने जाने दोगे? आपके टाइम वेस्ट हुए हैं, आपकी मनी वेस्ट हुई, आपकी सिविल स्कोर हिट हुए हैं, आपके मेंटल प्रेशर, आपके डिप्रेशन, मतलब आप ऐसे ही जाने दोगे सुसाइडल थॉट ला करके? कम ऑन, मतलब सोच भी कैसे सकते हो यार, बोल्ड बनो. ऐसा नहीं होता है, लाइफ आगे बहुत लंबी है यार. ये इस स्टेज पे मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है. मैंने इस लड़की से बात की है, मेरे पास उसे समझाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था. मैं क्या समझाता? और प्लीज गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए, और बताइए कि क्या ये सही बात है. मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है यार इसे बोलने के लिए. मतलब क्यों, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थोड़े से रेवेन्यू के लिए, थोड़े से पैसे के लिए किसी भी लाइफ, किसी भी कैंडिडेट के लाइफ के साथ खेल रहा है. अमेजिंग, अमेजिंग. मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है. आप इस वीडियो को प्लीज देखिए पूरा और खुद ही डिसाइड कीजिए क्या ये सही बात है, क्या ये अच्छी बात है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्या मार्केट में रहने चाहिए. प्लीज पागल हो जाऊंगी, मैं पूरी मेंटल हिल चुकी हूँ जिस तरीके से यहाँ पे होता है। मैंने 2020 में ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, वहां पे ओके कहीं नहीं लिखा था कि हमें सेल्स करना है, ठीक है। उसके बाद जब ट्रेनिंग में गए तो बताया गया कि 80% ऑपरेशन, 20% सेल है। वो भी हमें जबरदस्ती डिक्लेरेशन साइन करवाया गया, मेंटल प्रेशर दिया गया कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये डिग्री नहीं मिलेगी, आपको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा।
तो जो हमने जबरदस्ती डिक्लेरेशन आपसे डिक्लेरेशन जो जो साइन करवाया गया है, ये फोर्सफुली जबरदस्ती साइन करवाया है। पूरे तरीके से फोर्सफुली हमें साइन करवाया गया है, मैसेज पे मैसेज, मेल पे मेल करके, पर्सनली मेल कर करके साइन करवाया गया है कि यू हैव टू साइन दिस डिक्लेरेशन, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें प्रोग्राम आगे नहीं करने दिया जाएगा, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, 4 लाख रुपए रो लग गए थे उनका। इतना रो परेशान मत हो, वी विल लुक इनटू इट एंड हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या हुआ इस केस में, थोड़ा सा अच्छे से पूरा एक बार बता दो, अच्छे से क्या क्या है इसमें। मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, मेरी अभी OJT चल रही थी ओके और बहुत गंदे तरीके से ब्रांच में ट्रीट हो रहा है मेरे साथ। जो मेरे ब्रांच हेड है वो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें ब्रांच से भगा दूंगा, निकाल दूंगा, तुम किसी लायक नहीं हो, ना तुमसे ऑपरेशन होगा, ना तुमसे सेल्स होगा, तुम्हें कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं मिलेगी, तुम किसी लायक नहीं हो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल दूँ, ब्रांच से बाहर निकाल मैं दूं, हाँ ब्रांच से बाहर निकाल दूँ, मैं तुम्हें इस जॉब से बाहर निकाल दूँ अगर मेरा बस चले तो। अच्छा तुम कहीं जॉब नहीं कर सकती हो, तुम कहीं सरवाइव नहीं कर सकती हो, मैंने तुमसे वर्स्ट परफॉर्मेंस अपने लाइफ में नहीं देखा। मैं बस 3 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है और वो चाह रहा है कि जो 3 साल से जॉब कर रहा है उसकी तरह मैं जॉब करूँ, उसकी तरह परफॉर्म करूँ, कैसे पॉसिबल है। इनफैक्ट मेरे पास लेटर आया है ऊपर से कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत गंदा है, अगर तुमने सही नहीं किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मेरे 4 लाख रुपए लगे हैं लोन के, मैं कहाँ से पे करूंगी 4 लाख रुपए। मैं पूरी तरीके से मेंटल प्रेशर में आ गई हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, जो कि अकेले रहती हूँ मैं यहाँ पे, फैमिली से दूर, मेरे माँ बाप वहाँ पे टेंशन में कि इसको क्या होगा, मेरी ऐसी कंडीशन होगी ना कि मैं सुसाइड करने का सोच रही हूँ। नहीं, इतना टेंशन मत लो, प्लीज प्लीज डोंट टेक, इतना आप टेंशन मत लीजिए, वी विल हेल्प यू आउट, समथिंग वी विल डू, इतना आप रोइए मत, टेंशन इतना मत लीजिए। तो एग्जैक्टली आपको ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि आपको ब्रांच से बाहर फेंक देगा, ब्रांच से बाहर निकाल देगा। हाँ, ब्रांच से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुमसे ना ऑपरेशन होगा ना सेल्स होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लायक नहीं हो। अच्छा, इतना भी उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाँ कुछ काम करने लायक नहीं हो, ये सर्टिफिकेट भी उसने आपको दे दिया। हाँ उन्होंने ये भी बोला कि ये तुम किस किसी किस 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 हिसाब से या फिर किस कैपेसिटी में वो इतनी बात बोल सकता है कि आप कुछ काम करने लायक नहीं हो? वो क्या काम करने लायक है, आपने पूछा उनसे? नहीं, वो तो ऐसे ही ब्रांचेड लगता है, बिना कुछ किए ही वो सीधे ब्रांचेड नहीं की पोस्ट मिली थी उन्हें। तो आपको मणिपाल में ये डिक्लेरेशन जबरदस्ती साइन करवा लिया गया आपसे? हाँ, मणिपाल एकेडमी में से मेरी ट्रेनिंग हुई थी 2020 में, मेरी सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद मणिपाल में ट्रेनिंग हुई थी और वहाँ पे भी हमें प्रेशराइज किया गया था ये साइन करने के लिए, बहुत बारी मेल पे मेल करते थे कि आपको ये साइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी ट्रेनिंग रुक जाएगी, आपकी जॉब नहीं मिलेगी। हमें प्रेशराइज करके हमें म्यूचुअल फंड की भी एग्जाम दिलवाई गई है, जो वो है NID, वो क्या कहते हैं उसमें, म्यूचुअल फंड वाली, वो भी प्रेशराइज करके बोला गया अगर तुम्हारे पास ये नंबर, URL नंबर होता है एक, अगर तुम्हारे पास ये नंबर नहीं है तो तुम्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, हमें ये तक बोला गया, इफ यू डोंट हैव दिस URL नंबर योर पोस्टिंग हैज बीन स्टॉप्ड। और अब हमें बोला जा रहा है IRDA का वो लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए, हम यहाँ पे सेल करने आए हैं, LIGI करने आए हैं क्या? हमें रोज बोला जाता है LI करो, GI करो, ट्रेनिंग करो, ये करो वो करो, हम लोग इंसान है यार, रोबोट नहीं है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ब्रांच में इतने कम इनके यहाँ पे कस्टमर्स हैं, कोई है ही नहीं। अगर आप सबसे भी बात कर लोगे जितने ब्रांच में कस्टमर्स हैं उनसे, मैप्ड पोर्टफोलियो इनका एक जो होता है जो ये CRM में बताते हैं उसमें भी बात कर लोगे, तो अभी जो इनकी डिमांड होती है, एक्चुअली इनको एक सर्वेंट चाहिए, बंधुआ मजदूर इनको चाहिए जो इनको 1 से 2 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस हर महीने करके देता रहे, उससे हर ये। महीने नहीं, हर 15 दिन पे चाहिए। और जब अच्छा आप उस जो कस्टमर जो उन्होंने साइन करके दिया उन्हें बाद में कॉल करो, अगर बोलो ना कि एक्सिस बैंक से बोल रहे, वो इतने रूडली बोल के कॉल करते हैं, इतने रूडली बोल के कि मतलब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। हम उन्हें कॉल कर रहे, वो बस बोलो कि हेलो सर मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, वो कॉल कट कर देते हैं मुंह पे ही, बोलते हैं कि यार तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, तुम लोग यही करते हो क्या? अगर कस्टमर को बोलो कि सर LI ले लो, GI ले लो, हम पे हंसते, हमारा मजाक बनाते हैं। इनफैक्ट जो सेल्स के बंदे हैं वो हमारा मजाक बनाते हैं कि 4 लाख रुपए दे के आई है और कर तो वही रही है, LI कर रही है, GI कर रही है, इससे अच्छे तो हम लोग हैं। एग्जैक्टली ये इशू मुझे और भी कई लोगों ने बताया है
कि ब्रांच बैंकिंग का स्टाफ, एक मुझे अभी 4-5 दिन पहले कॉल आया था, किसी लड़की का कॉल था। वो बोल रही थी कि उसका ब्रांच मैनेजर उसको बोल रहा है कि अगर तुम 4 लाख रुपए देके इस जॉब के लिए आई हो, जिसमें सुबह से शाम तक तुम्हें एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए घूमना पड़ेगा, रोड्स पे आउटसाइडर स्ट्रेंजर्स के पास जाना पड़ेगा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये एक्सिस बैंक के ब्रांच हेड के वर्ड्स हैं इस 4 लाख रुपए देने के लिए। तो हमें भी बोला जाता है ना, हमें वो मुझे एग्जांपल दिया गया है कि यार कैसे पॉसिबल है, जो मेरे सीनियर है उनसे मेरा कंप्रमिशन कैसे कर, कोई कैसे जज कर सकता है? अगर वो इंसान सही कर रहा है, वो इंसान ठीक कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी है, मेरी नहीं है। कैसे आप दो इंसान को सिमिलर पाथ पे रख सकते हो? मुझे एग्जाम्पल दिया जाता है, वो लोग, वो भी तो आया है वहीं से, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रही तो हो, तुम भी आप ये उससे क्यों बताइए, करूं? जी, आप ये बताइए, तो अभी इन्होंने आपको जो निकालने का नोटिस दे दिया है, आपके पैसे 4 लाख रुपए इन्होंने झूठ बोल के ले लिए, जबरदस्ती साइन करवा के, तो ये जो अभी इस तरीके से ये जो चल रहा है, आप इतना परेशान मत होइए। तो क्या कहते हैं कि उस सुबह से शाम तक बेसिकली जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से, कि वो लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं इतना ज्यादा सेल करने के लिए, इतना ज्यादा सुबह से शाम तक परेशान कर रहे हैं, और कस्टमर्स हैं जो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, फोन काट देते हैं। हर चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता है। मेरे पास रिक्वेस्ट आता है, मुझे नहीं समझ में आता है रिक्वेस्ट कैसे डालना है। मैं पूछती हूँ, बोलते बताया तो गया था ना, मैं अभी बिजी हूँ, मेरे पास अभी ये काम है, मैं सबके सामने पूछती हूँ। अगर वो रिक्वेस्ट रह जाता है तो कस्टमर मेरे पे चिल्लाता है, फिर मुझ पे चिल्लाया जाता है कि तुमने रिक्वेस्ट लिया तो रेज क्यों नहीं किया। मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे रिक्वेस्ट रेज करूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, कोई बताता नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अगर मैं गलत डाल दूंगी तो उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं सबसे पूछ के थक गई, किसी ने नहीं बताया, लास्ट में मुझे खुद से डालना पड़ा, गलत डाल दिया, NFTR आ गया, उसके लिए मुझे इतना सुनाया गया, सबके सामने, पूरे कस्टमर के सामने सुनाया गया नहीं, ब्रांच से अभी है। कुछ लोगों ने बताया है कि जब ब्रांच में एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी चली जाती है, जो न्यू न्यू लोग ज्वाइन करते हैं उनको कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, ताकि वो हाँ लोग एक तरीके से ह्यूमिलेट फील करें, और जब वो फिर कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जैसे अभी किसी ने बताया था कि वो कैश ऑपरेट कर रही थी, तो उसको एग्जैक्टली बताया नहीं गया था कि वहां पे करना क्या होता है, एंड वेन शी कमिटेड अ मिस्टेक, उससे जब मिस्टेक हो गई तो उसको 13,700 रुपीज अपनी पॉकेट से वहां पे करना पड़ा। मेरे साथ भी सेम है, मुझे क्लियरिंग बोला गया, मैं नहीं आई थी, 1 महीने भी नहीं हुए थे, मैंने 23 सितंबर को ज्वाइन किया था, ठीक है, और दिवाली से के टाइम पे मेरे दो दो जो थे कलीग, जो थे सीनियर थे, वो दोनों मैंडेट पे थे ब्रांच में, मुझे क्लियरिंग भी करनी थी, स्टाफ मेरे फर्स्ट टेबल मुझे दे दिया गया था उस टाइम पे, नहीं एकदम 1 महीना भी नहीं हुआ था, मुझे क्लियरिंग भी अभी करना आप ये था। बताइए कि ये आप लोगों को सैलरी वगैरह अभी सब नेट सैलरी कितना देते हैं ये लोग? सैलरी उन्होंने जो पे स्लिप, हमारा जो ऑफर लेटर है उसमें 28,000 था, और अभी कट के बस 22 या 23 हज़ार रुपये देते हैं, जिसमें से 5,000 लोन की चली जाती है, नहीं हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। एग्जैक्टली, नहीं, कोई बता रहा था कि लोन अभी कटने के बाद में, जो अभी ज्यादा लोन कटेगा कुछ अभी शायद आपका एक हाँ दो तो अब महीने दस बाद से, हजार लोन कटेगा हमारा, तो बाईस आपको हजार में अगर जी 10,000 लोन ही कट जाएगा तो हम क्या 15,000 में क्या कर लेंगे या डेली आपकी वेजेस जो में? टोटल सैलरी है वो शायद 13 या 14,000 समथिंग आएगी लोन कटने के बाद में। तो मैं ये हाँ पूछना, मतलब ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है, कि अगर आपने 4 लाख रुपीज इनको पे किए हैं, ठीक है, और वो भी शायद लोन है 13-14% पर, तो ओवरऑल वो 6 लाख के समथिंग हो जाते हैं। तो जब आपने इनको इतना पे कर दिया है, उसके बाद में आप अपने होम टाउन से दूर हैं, शायद अभी आप कहाँ, जहाँ भी हैं शायद दिल्ली में हैं आप, तो आप इतना सारा मतलब 6 लाख रुपए लेके दिन भर टॉर्चर ह्यूमिलेट करके 13-14,000 रुपीज की जॉब करवा रहे हैं, तो ये तो मतलब कैसे है? नहीं, आई थिंक ये इट्स ए लोग स्कैम। तो पूरा का पूरा ही स्कैम है, हर तरीके से स्कैम है, स्टार्टिंग से ही चीट किया जाता है बच्चों को। जब वैकेंसी निकालते हैं कहीं नहीं लिख के देते कि आपको सेल करना पड़ेगा, लिखा जाता है असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, पूरी की पूरी ब्रांच जॉब है, कहीं नहीं लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि 80% बस 80% ऑपरेशन है, 20% बस सेल्स है, वो भी क्रॉस सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, क्रॉस सेलिंग बोला जाता है। और जब आप इंटर हो जाते हो प्रोग्राम में, 6 महीने 3 महीने के बाद आपको प्रेशराइज किया, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जब 3 महीना आपका बीत जाता है ट्रेनिंग करने के बाद, उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप का टाइम आता है, उस टाइम पे आपको प्रेशराइज किया जाता है डिक्लेरेशन साइन करने के लिए, दो डिक्लेरेशन साइन करते हैं, एक कि आप सोशल मीडिया पे एक्सिस बैंक के अगेंस्ट में कुछ नहीं लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है,
एक्सिस बैंक को लेके, दूसरी ओके। कि आपको पूरी की पूरी सेल करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये सोशल मीडिया का इसीलिए है क्योंकि एक कुछ पहला बैच था, जैसा कि जितना मेरी जानकारी में है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, उसने इस कोर्स को पूरा रियलिटी उसकी एक्सपोज कर दी थी, रियलिटी इसकी सबके पब्लिक के सामने रख दी तो थी। वही चीज है ना, इन लोगों ने हमसे हमारा पूरा राइट छीन लिया। हम इसके अगेंस्ट में कुछ कर भी नहीं सकते, कहीं कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन साइन किया। कल को जाके बोलेंगे कि यू हैव साइन दिस डिक्लेरेशन, यू डोंट हैव ऑथोरिटी टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। फिर हम क्या करें, हम कहाँ जाएंगे ऐसे में? मेरे पास एक्चुअली लेटर हमने थमा दिया गया है या कि एक रियलिटी, एक रियलिटी टेस्ट करने के लिए हमने मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जैसा कि इनका नाम है, एजुकेशन तो कुछ है नहीं, वहां पे नाम इनका है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, वहां पे कॉल किया 3 4 दिन पहले। वहां पे किसी विशालक्ष्मी और हाँ, विशाल लक्ष्मी मैम है वहां पे। हाँ कोई चेतना और कई सारे हैं, उनको हमने सबको कॉल किया, तो उन्होंने जो हमको बताया कि इस कोर्स में आपको 5 लाख रुपीज का पैकेज है और आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं करनी है, आपको जो भी सेल्स करनी है ब्रांच में से करनी है, कस्टमर आपके पास आएंगे, आपको वो लोग खुद सेल्स देंगे, आपको कुछ इतना एफर्ट नहीं करना है, आपको बेसिकली एक नॉर्मली ऑपरेशन जॉब करना है, जो बेसिकली एक पिक्चर उन्होंने मेरे माइंड में बनाने की क्रिएट की। और तो मैं आपको ये वो हर किसी के साथ करते हैं जो उनको कॉल करता है या उनको अप्रोच करता है या इस कोर्स को ज्वाइन करता है। पर जैसा कि अभी आपने तो रियलिटी सुनो ना, मुझे मेरी बताई, जो जी इसमें लेटर में लिखा गया, आपने बोला ना कि सेल्स कस्टमर खुद देंगे, जी उसमें लिखा गया है यू आर हैव हेयर बाय अगेंस्ट एडवाइज टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द इनेबल इनेबल एंड डिटेल्स कॉन्टेक्ट इन द पोर्टफोलियो वर्किंग कस्टमर्स मार्केट स्कोपिंग डाटा। मार्केट स्कोपिंग डाटा क्या होता है? क्या होता इसका है? मतलब क्या होता है? जो जाके बाहर में, आप बाहर जाओ मार्केट में घूमो, वहां से डाटे कलेक्ट करो। हमने 4 लाख रुपए मार्केट स्कोपिंग करने के लिए दिए है, और हमने चार लाख मार्केट रुपए मार्केट स्कोपिंग में में, या मार्केट स्कोपिंग में तो लाइक ये हो गया ना, जो रैंडम स्ट्रेंजर्स हैं, जैसे हाँ सबको बोलो जाके वहां पे खड़े हो जाओ, तुम दुकान दुकान हर दुकान पे जाओ, ठीक है? उनको बोलो कि हम एक्सिस बैंक से आए, आपको लोन की जरूरत है, आपको LI ले लो सर, GI ले लो। ये होता है मार्केट स्कूपिंग, किसको लोन की जरूरत है, किसको किस चीज की जरूरत है। 4 लाख रुपए हमने मार्केट स्कूपिंग करने के लिए दिया है। जैसा कि आप मेट्रो स्टेशन पर देखते हैं कुछ लोग क्रेडिट कार्ड सेल हाँ करने के लिए खड़े होते हैं कि सर एक कार्ड ले लीजिए, कार्ड ले लीजिए, तो उसी हमने तरीके का। ये तो इसलिए बेसिकली ये उसी तरीके का जॉब है। बेस, हाँ टोटली वही है कि तुम किसी स्टेशन पे जाओ, किसी पे पूरे दुकान दुकान घूमो, तुम सबको बोलो कि हम एक्सिस बैंक से आए हैं, लोन ले लो सर, सर LI ले लो सर, जी ले, हमने 4 लाख रुपए ये मार्केट स्कूपिंग डाटा कर स्कूपिंग करने के लिए दिया है। अगर आपको ये करा था तो 4 लाख क्यों लिया आपने? क्यों बोला इतना हायर प्रोग्राम क्यों बनाया? और जब ट्रेनिंग देते हैं एक बार भी नहीं पढ़ाते हैं कि LI कैसे करना है, GI कैसे करना है। बहुत हाई हाई एजुकेशन पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या रिटेल बैंकिंग, उसके बाद फॉरेक्स पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है? फॉरेक्स बताया जाता है, फॉरेक्स क्या होता है, कैसे होता है। इतने हाई लेवल की वहां पे एजुकेशन दी जाती है ना मणिपाल में, कि बंदा समझेगा कि बाप रे, हम तो बैंक में जाके बहुत लंबे वाले पोस्ट पे जा रहे हैं, और नाम दिया गया है कि सर क्या हमारे पोस्ट का असिस्टेंट मैनेजर, या परसों कुछ मेरी असिस्टेंट एक मैनेजर नहीं है या हम। परसों किसी का मेरे पास कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें कुछ रिटेल बैंकिंग, फॉरेक्स, बैलेंस शीट्स एनालिसिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, हाँ कैसे सारी चीज प्रोग्रेस होती है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होता है, मतलब कुछ इस तरीके की हायर टर्मिनोलॉजीज जो बेसिकली दे आर थिंग्स ऑफ द वेरी हाई लेवल, मोर देन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, वो सब पढ़ाई जाती है। अननेसेसरी हमारा पैसा खर्च करवाया जाता है ऑन द नेम ऑफ सम प्रोजेक्ट्स, ऑन द नेम ऑफ सम सेमिनार्स एंड सम रैंडम थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज इफ वी लुक विथ रेस्पेक्टिव टू दिस जॉब। जॉब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। जो मेन फैक्ट है ब्रांच के, वो तो बताते ही नहीं है कि आपको करना क्या है, वो बोलते ही नहीं है कि आपको क्या करना है। बोलते ना कि वो PG करवा रहे, ट्रेनिंग करवा रहे, नहीं। इनफैक्ट अगर आप ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में आप जाओगे और बोलोगे कि इस प्रोग्राम के बारे में किसी भी एम्प्लॉय से पूछ लोगे, आपको एक भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको सजेस्ट कर दे कि हाँ ये कर लो, चाहे वो कितना भी पुराना हो या फिर नया ही क्यों ना आया हो, आपको एक भी बंदा सजेस्ट नहीं करेगा। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं अकाउंट खुलवाने गई थी बैंक में, हर एक बंदा बोल रहा था कि क्यों आ रही है इस जॉब में, अभी एज है मत आओ। हमें नहीं पता था, हम तो खुश थे भाई कि हमें बैंक में जॉब मिल रही है, और सेल करना है तो क्रॉस सेल करना है, अच्छा हम तो इस चीज को लेके खुश थे, बैंक के जॉब है। मैंने जॉब इसलिए किया था ताकि मैं पापा की हेल्प कर सकूं। मैं घर की पहली बेटी हूँ, मेरे पापा बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं,
मेरे पापा की कोई वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं, मेरे पापा की खुद की बिजनेस है। अगर कस्टमर आते हैं तो होती है इनकम। और लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम हुई थी जिनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरे पापा बहुत सिंपल काम करते हैं, ट्रेजरी के जो वो होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, उनकी जो पेंशन वगैरह बनती है, मेरे पापा वो काम करते हैं। मेरे बाद मेरे दो भाई बहन भी है, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा होता तो मेरी हेल्प हो जाती। तो मैंने सोचा मैं माँ बाप का बेटा बन जाती हूँ, कम से कम मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, एक को संभाल लूंगी, ये सोच के मैंने बैंक की जॉब भरी थी। और यहाँ पे मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं डिप्रेस हो गई, मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ, अगर मैंने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मेरे माँ बाप को कौन देखेगा मेरे बाद? इसके लिए अगर पहली बात तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप इतना ज्यादा टेंशन ना लें, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस ना हो। अगर कुछ भी मुझे होता सोना है, पड़ रहा है कुछ भी होता कि है, तो एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम जो कि अमिटी यूनिवर्सिटी और मैंने मणिपाल अगर यूनिवर्सिटी कुछ कंडक्ट किया कराती है। ना, मैंने ये चीज सोची, अगर मैंने कुछ किया इस प्रेशर में आके, मेंटली अगर मैं थोड़ी भी हिली, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं एक्सिस बैंक के गेम्स में लेटर लिख के कुछ ना कुछ करूंगी। मैं क्या करूं, मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूं? मैंने आज बहुत हिम्मत करके अपने मम्मी पापा को बताया। वो वहां पे अकेले रहते हैं, हम तीनों भाई बहन बाहर है, अकेले रहते हैं वो। मेरे पापा बीपी के पेशेंट है, वो वहां पे इतने टेंशन में है। सुबह से कितनी बारी कॉल कर चुके हैं कि बेटा ठीक है ना, बेटा ठीक है ना। मैं क्या बोलूं उन्हें? बोल रहे नहीं हो रहा है, दूसरा जॉब ढूंढो अच्छा सा, उसमें चले जाओ। बट वही है, फिर मेरे 4 लाख का क्या होगा? अगर मैं स्विच करती हूँ, रिजाइन दे देती हूँ, मेरे 4 लाख का क्या? मुझे लोन तो फिर वैसे भी चुकाना पड़ेगा। लोन के लिए भी ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, जैसा कि रिव्यूज मेरे पास में आए हैं। लोन लोग के लिए अगर 1 महीने की ईएमआई अगर बाउंस हो जाए ना, वो इतना कॉल करते हैं, इतना कॉल करते हैं, इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, पापा को कॉल कर देते हैं। मैं भी शिफ्ट हुई हूँ दिल्ली। दिल्ली शिफ्ट होना कोई इजी बात नहीं है, महंगा शहर है, रूम रेंट लगता है वहां पे। एक तो एडवांस लगता है, अगर 6,000 रूम रेंट है, मेरा 6,000 रूम रेंट आ रहा है, तो मतलब 12,000 को देना पड़ेगा। फिर 1 महीने का पूरा खर्चा आपको उठाना है, अपना खाना पीना, ट्रैवलिंग वेवलिंग सब कुछ देखना है। मेरे पास इतनी सेविंग थी जो मिली थी, वो सब कुछ मिला के मैंने किया, तो मेरी लोन नहीं जा पाई। उसके लिए इतना कॉल किया, इतना कॉल किया, मेरे पापा को कॉल कर दिया। उसके बाद जो रेफरेंस एक और नंबर लेता है, वहां तक उन्होंने कॉल किया। वो मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि तुमने कोई लोन लिया है, उसकी ईएमआई नहीं दी है। आपने तो उनसे मैंने बात करी? ये जो मणिपाल वाले जो कोर्स चलाते हैं, कोर्स तो क्या स्कैम है? एक ये कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे हमारी, कोई नहीं सुनने वाला है हमारी, क्योंकि किसी ने सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको पैसे मिल रहे हैं। क्यों मतलब है उनको, किस क्या चीज से मतलब है? आज के टाइम में किसको किससे मतलब है? मर जाए कोई कोई तो देखने आएगा। ये इतनी गंदी हालत कर दी है मेरी, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे पता है मैं यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हूँ, और मैं ऐसे रो रही हूँ, तो सोचो मेरी कंडीशन क्या होगी यार। जो इंसान आईएएस बनने का सपना देख रहा है, वो अगर इस तरीके से रो रहा है, तो सोचो उसकी कंडीशन कितनी खराब होगी। मैं डरती हूँ ब्रांच जाने से, मैं ब्रांच और बैंक के नाम से घबराती हूँ, कांपती हूँ मैं। मैं जितने देर ब्रांच में रहती हूँ, मैं डर के रहती हूँ। नहीं, किसी कस्टमर ने अलग जी चिल्लाते हैं यार, कस्टमर मुझे बोल रहा है तुम बहरी हो क्या, सुनाई नहीं देता है तुम्हें। और मैंने जब ये चीज बोला, तो मेरा ब्रांचियर बोल रहा है कि तुम, अगर वो गुस्से में आता, अगर ऐसा बोल ही दिया तो क्या हुआ, तुम उसे बैठाओ, पानी पिलाओ। ये कैसे पॉसिबल है? कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि तुम बहरी हो क्या। मैं उसको बोलूँ हाँ बहरी हूँ, आप बैठो पानी पियो। हाउ कुड इट पॉसिबल यार, इफ समवन इज इंसल्टिंग यू, हाउ कैन यू ऑफर वाटर टू दैट पर्सन? नहीं, पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात ही नहीं है। पहली बात तो कोई इतना जो गलत बोल रहा है, पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहा है, बोल रहा है बहरी हो क्या, ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या, पहली बात तो वो बोल कैसे रहा है। दूसरी बात है, ये इतना जो पैसा ले रहे हैं 4 से 5 लाख रुपए का, किस बात के लिए ले रहे हैं? हम ये सुनने के लिए वहां पे बैठे हैं कि तुम बहरी हो क्या, तुम ये नहीं हो। मेरे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है, कोई हेल्प और करने कोई एक वाला नहीं सेकंड, मैं है। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। किसी ने बताया कि यहाँ पे बहुत गंदी लैंग्वेज में बात की जा रही है, जो भी बहुत गंदी लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज लिटरली उस पे चिल्लाया जाता है। हमें ऐसे बिहेव, ऐसे बात करते हैं जैसे हम अपने घर में नौकर से भी बात नहीं करते हैं। हम अपने नौकर तक को थोड़ी इज्जत देते हैं यार, कि वो भी इंसान है, हमें उससे भी नीचे दिखाया जाता है। ऑफिस बॉय की औकात हमसे ज्यादा है।
नहीं कल, अभी कल नहीं, 2-3 दिन पहले एक जने का कॉल आया था, किसी गर्ल का फोन आया था। वो बता रही थी कि ब्रांचड उसको रोज बदतमीजी से बात कर रहा है, इवन मतलब जो एज वल्गर लैंग्वेज एज पॉसिबल है उस लैंग्वेज में बात कर रहा है। और जब उसने ये कंप्लेंट एचआर को दी, एचआर को बताया, तो एचआर बोलते हैं दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल ऑफ एक्सिस बैंक, ये तो होता ही है और इसमें आपको ये टॉलरेट करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू फेस विथ इट एंड कोप विथ इट। जो वही चीज है ना, मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ, बट मैं वही सोचती हूँ कंप्लेंट करके क्या फायदा, और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, मैं हाईलाइट हो जाऊंगी और ये लोग टारगेट करके मुझे बोला जाएगा। मुझे कल इनडायरेक्टली वे में ये बोला गया कि अगर सेल नहीं होगा, तुम लोग सेल्स में अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम लोगों को टॉर्चर करूंगा। टॉर्चर एक नहीं होता, बहुत तरीके के टॉर्चर होते हैं। ऐसा मैं बोला है, ट्रांसफर, ये बोला है कि टॉर्चर करूंगा। हाँ हाँ बोला गया है, और टॉर्चर बहुत नहीं, हाँ, होते ये क्या हैं। कोई, ये कोई उसकी निजी बैंक है या उसका घर का कारोबार है जो वो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं तुम बोलना अगर टॉर्चर करूंगी? से, अगर आप एक, अगर हाँ आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, देन यू मस्ट हैव टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट दिस मैं ले पर्सन। चुकी हूँ एक्शन, किसने बोला है? आई हैव ऑलरेडी ट्वीट अगेंस्ट दिस, बट मेरे ओके। ट्वीट को कोई नहीं देखने वाला। मैंने सबको, पीएमओ, हर एक को वहां पे टैग करके मैंने पोस्ट किया हुआ है, बट कौन देखेगा हमारी पोस्ट, कौन सुनेगा हमारे लिए, ये बताओ ना। नो no, अभी मुझे गवर्नमेंट तीसरा, बहुत इनिशिएटिव ले रही है स्कैम्स के अगेंस्ट में, जो गवर्नमेंट मुझे आई है। बोला क्या है, मुझे सच बताओ, इनडायरेक्टली मैं ट्रांसफर करती हूँ आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह, तो मुझे इनडायरेक्टली बोला गया कि टॉर्चर बहुत तरीके का होता है। ट्रांसफर में मैं लगा दूंगा कि मिसमैच है, ये गलत है, वो गलत है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, टॉर्चर तो बहुत तरीके का होता है। मुझे इनडायरेक्टली ये सुनाया गया है, सिर्फ ट्रांसफर के ही बोला, उनके बारे में बोला गया, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ मैं करती हूँ, तो मुझे इनडायरेक्टली मुझे ये सुनाया गया है दैट यू आर ऑन टारगेट। आप एक चीज बताइए, अभी कुछ लोगों ने जो एक कॉमन रेस्पॉन्स है वो यही है कि जो एबीवाईबी एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम कोर्स है एक्सिस बैंक का, इसमें जो लोग कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं, जैसे वर्णिका तिवारी नाम की कोई नाम सामने आया है, एक मैथिली बगारे कोई नाम सामने आया एचआर है, है। ये एचआर है, ओके। तो ये लोग अभी कोई फोन नहीं उठा रहे हैं। मणिपाल में ये जो फैकल्टी कोर्स कराती है वो भी फोन नहीं उठा रही है, एचआर में कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो किया है, जहां पे धकेला है इन बच्चों को, वो बहुत गलत जगह है। सब आवाज उठाएंगे, सब इसके अगेंस्ट में बात करेंगे, तो क्यों कोई सुनना चाहेगा? सबको पता है कि हम जो हो रहा है ब्रांच में वो गलत हो रहा है, इन लोगों को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है, वो चीज है। तो इसलिए वो लोग को भी पता है कि क्या सिचुएशन है ब्रांच की, इसलिए वो लोग कोई नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्लस्टर ऑफिस बुला के तब इंसल्ट की जाती है, नहीं, अभी वहां पे इंसल्ट किसी ने होती है। बताया, ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कोई क्लस्टर हेड है, आलम करके कोई उसका नाम है, पता नहीं क्या है, वो एक एक पर्सनली बुला के जो लोग इस प्रोग्राम से आए हैं या जो भी है, उनको बोल रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, या कुछ इस तरीके की बातें पर्सनल ह्यूमिलेशन के लेवल पे बोली जा रही हैं, जो कि लाइक बियॉन्ड बियॉन्ड एनी लिमिट टाइप की लिमिट थिंग्स तो है। है ही नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा का पूरा एक टॉक्सिक कल्चर है यहाँ पे, पूरा का पूरा टॉक्सिक कल्चर है, ए बी वर्स्ट वाई बी टॉक्सिक कोर्स में है ये भी वाईपी कोर्स, और एक्सिस बैंक इज द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इससे गंदा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा है कि आप किसी टेलीकॉलर का जॉब कर लो यार, वहां पे इज्जत मिल जाएगी। नहीं, एक्चुअली ऐसा जो अभी ये एक कस्टमर के साथ करते हैं फ्रॉड, कस्टमर हम पे चलाते हैं, पता नहीं क्या काटते हैं, कॉन्सुलेटेड चार्ज करके इतने ज्यादा अमाउंट काटते हैं, इतने हमें बुरा लगता है यार कस्टमर को फेस करने में, कि हम क्या उन्हें बोले कि किस चीज के पैसे उन्होंने काटे, बिना मतलब के पैसे काटते हैं वो कस्टमर्स के, ठीक है। उसके बाद फिर जाके वो कस्टमर हम पे चिल्लाते हैं कि कैसे पैसे काट लिया, हम बोलते हैं कि हमने नहीं काटा, ब्रांच नहीं काटा, तो बैंक ने काटा है, तो बैंक तो आप हो, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो कस्टमर के साथ, तो बैंक तो एग्जैक्टली, आप हो, यू आर तो द हम तो फेस ऑफ द आपको ही बैंक, तो बोलेंगे। कस्टमर आप ही के ऊपर चिल्लाएगा, बैंक वाले भी आप ही के ऊपर चिल्लाएंगे और सब तरीके से तो हम परेशान। कहाँ जाएं? हमें भाई, अगर तुम कॉन्सुलेटेड चार्ज काट रहे हो, तो तुम मेल करो कस्टमर को, तो इन्फॉर्म करो कि तुम्हारा ये चीज है, इस चीज आप के लिए एक हम कॉन्सुलेटेड चीज, चार्ज काट रहे हैं, जी 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 हमें क्यों ये चीज सफर करवा रहे हो अगर तुम कर रहे हो तो। जी जी आप एक चीज बताइए, अभी जो इससे पहले वाला कोई बैच था, उन्होंने
ये सब चीजें इनको रियलिटी सोशल मीडिया पे लोगों को बताई थी ताकि तो पीपल वही विल चीज गेट है ना। अवेयर। मैं एक सेकंड, मैं थोड़ा सा मैं आपको एक जी चीज बताना चाह रहा था कि उन्होंने सब चीज इसकी रियलिटी पब्लिक को बता दी कि ये यहाँ होता क्या है, फिर भी आप लोग इस ट्रैप में फंस गए। तो कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आने वाले जो लोग हैं वो इस ट्रैप में ना फंसे? क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जा सकता है क्या? मैं तो सच में चाहती हूँ कि मैं होल्डिंग लगवा दूं कि एक्सिस बैंक का ये कोर्स फ्रॉड है, इसमें मत आओ। मेरे से जो भी पूछ रहा है मैं मना कर रही हूँ कि मत आओ यहाँ पे, मत आओ। नहीं, मेरी अभी मुझे बोल कुछ जो यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड लोग थे, सितंबर के मंथ में, सितंबर ऑफ 2021 में मणिपाल एकेडमी ने जूम मीटिंग करी, एमएस जो एमएस मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ एक सेकंड मैं बताना चाह रहा था। तो उन्होंने वहां पे बोला कि ये लोग जो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं ये वो लोग हैं जिनसे कुछ हो नहीं पाया, ये कुछ कर नहीं पाए वहां पे, इसीलिए ये लोग वहां से छोड़ के चले गए और अब ये लोग ऐसे ही कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तो इनकी बातों को मत सुनो। पर रियलिटी तो कभी छुप सकती है, क्या आपको लगता है रियलिटी कभी छुप सकती है? एक इंसान से नहीं होगा, पूरे 200-300 इंसान अगर बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, इससे ये गलत है, हाउ कुड इट पॉसिबल कि 300 इंसान 200 इंसान गलत हो? एक इंसान से नहीं होगा, दो इंसान से नहीं होगा, 200 इंसान। अगर सबसे ज्यादा रिजाइन, अभी एक ब्रांच की मेरे पास वो आई थी इंफॉर्मेशन कि एक एचडीएफसी से एक लड़की आई हुई थी, उसे 3 से 4 साल की उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस था एचडीएफसी में। वो 2 महीने भी एक्सिस बैंक में नहीं टिक पाई। वो आते उसने